सो हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आज हमारे साथ आमना है और आमना का आज लास्ट डे है। तो आमना जी से जानते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और कैसे चला रहे हैं अभी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आमना है और मैंने सविता दीदी से स्कूटी सीखी है। आज मेरा लास्ट डे है और मैं काफ़ी अच्छी स्कूटी चला रही हूँ। उन्होंने मुझे बैलेंस करना सिखाया, पैर ऊपर रखना सिखाया है और स्कूटी को ऐसे ऐसे करना भी सिखाया है। और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे रेस पे वो करवाया है और मैंने रेस काफ़ी अच्छे से कैच किया। साइकिल चलाना भी मुझे आता था और मैंने रोड पर भी चलाई थी। फिर काफ़ी अच्छा मैंने स्कूटी चलाना सीख लिया है उनसे और उनको पीछे बैठ के भी चलाया है मेन रोड पर और काफ़ी अच्छा स्कूटी में चलाना सीख लिया है। तो कितने दिनों में सीखा आपने ऊपर रख के पैर? पहले ही डे में सीख गई थी, पहले दिन में पैर ऊपर रख के चलाने लगे। चलो, सो क्यों सीखी आपने? ऐसी मन था इसलिए सीखी। सब लोग चलाते हैं, मेरी फ्रेंड्स को भी आता था। अच्छा, कॉलेज वगैरह जाने के लिए? हाँ, उसके लिए भी। सो चलो अभी स्कूटी का वेट संभालना, फिर बैलेंस करके दिखाते हैं, फिर आप एक राउंड मार के आना। ठीक है, ब्रेक होल्ड करेंगे, दोनों ब्रेक होल्ड करेंगे। हाँ, जब भी स्कूटी संभालते हैं दोनों ब्रेक होल्ड करके। वेरी गुड, सामने देखते हुए। हाँ गुड, सो अप एंड डाउन। वेरी गुड, ब्रेक होल्ड करके अच्छे से। गुड, वेरी गुड, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं, एक राउंड मार के आना। ठीक है, ये स्टेप सबसे ज़रूरी है। हाँ, आराम से। वेरी गुड, बढ़िया। सो आज आमना का लास्ट डे है और डे वन में ही आमना जी ने स्कूटी पे पैर रख के चलाना सीख लिया था और अच्छा चला रहे हैं, मुझे बैठा कर चला रहे हैं। बाकी ऑल ओवर द प्रैक्टिस है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा परफेक्शन आता रहेगा स्कूटी में। सो अभी ये टर्न लेकर आगे आगे से आएंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर कि कैसे चला रहे हैं अभी। और अच्छा चला रहे हैं, दोनों पैर ऊपर रख के फोर्स दे, मैं ही दोनों पैर ऊपर रख लिए थे क्योंकि ये कहते हैं साइकिल आती है, इनकी मदर ने भी सीखा है और देन आज इन्होंने भी सीखा आज। सो अभी आ जाएंगे तो देखते हैं। बहुत इजी है, सबसे ज़रूरी स्टेप है। मुझे अभी कॉल्स मैसेजेस आ रहे हैं यूट्यूब से। सो प्रॉब्लम जो आ रही है लोगों को हांडे सामान्य बैलेंस में, बैलेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं है। या तो पैर नीचे होने चाहिए या तो पैर ऊपर रख के चलाइए, हवा में रखने का कोई सीन ही नहीं है। और बस रेस को समझिए कि कोशिश कीजिए, रेस सबसे इम्पॉर्टेंट है स्कूटी में। ठीक है, और सबसे मेन चीज़ धीरे चलाना सीखिए। ठीक है, धीरे चलाना बहुत ज़रूरी है, तेज़ तो आ ही जाती है, धीरे चलाना बहुत ज़रूरी है। तो टर्न भी अच्छा कर रहे हैं और अच्छा चला रहे हैं धीरे। हाँ गुड, चलो चलो आराम से, हल्का हल्का धीरे। सो टर्न देख लेते हैं, आगे से टर्न भी अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, सो जो सबसे ज़रूरी है ना, पहले आप स्कूटी को संभालना और उस पर बैलेंस बनाना सीखिए। ठीक है, देन उसके बाद रेस के साथ पैरों को वन बाय वन चलाना सीखिए, तभी ये स्टेप आ पाएगा। अदरवाइज जैसे प्रॉब्लम आती है संभालने में। सो ब्रेक आराम से। सो थैंक यू, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।